हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री एलसी भाई, स्वागत है आपका गुरु नीति सीरीज में 57/90। यतेंद्र सर, क्यों कैसी रही है श्रृंखला? जबरदस्त। और अभी तो और भी बचा हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, तो नो डाउट आप लगे रहें एक ऐसी सीएलसी के साथ में जो कर्मस्थ है, सशक्त है, तटस्थ है, पल्लवित है, गर्वित है, ऊर्जित है। क्यों यतेंद्र सर, शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स पार्ट थर्ड की। डाई हाइब्रिड क्रॉस के कुछ क्वेश्चंस अपन ने पहले भी देखे थे, आज थोड़ा सा डिटेल में डाई हाइब्रिड के बारे में अपन बात करेंगे। क्यों तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर यतेंद्र सर नंबर बता रखे हैं और उसका जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में बता रखा है। क्यों कुछ जायगोट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों को डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोट जीनो आता है उसके बारे में एक बात बता दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से मैचिंग के आएंगे। तो एक पेज खाली करके थोड़ा सा डाई हाइब्रिड के बारे में बच्चों को बता देते हैं। डाई हाइब्रिड की बात करें यतेंद्र सर, 9331 ये तो फिनो आया था, और इनके रेस्पेक्ट में बात करें तो 9 आए थे राउंड एंड येलो, 3 आए थे राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन फॉर्म हो जाएगी, स्मॉल वाई आ जाएगा, और 3 आए थे रिंकल्ड एंड येलो, और 1 आया था रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपना आता है फिनो। इसके बाद में ये जो राउंड येलो है ये जीनों को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो 4 जीनों को ये रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों यतेंद्र सर? एक में तो आता है RRYY, एक हो जाता है पहले को चेंज नहीं करना है, दूसरे में चेंज करना है, इसका मतलब एक चेंज पॉसिबल है। अगली बात, दूसरे में चेंज नहीं करना, पहले में चेंज करना है, तो एक चेंज पॉसिबल है यहां पर। और लास्ट वाला RRYY, तो ये जो राउंड और येलो बन रहे हैं, आप देखें राउंड येलो सारे ही चारों केसेज में एक कैपिटल एलील जो है जरूर आ रही है, और एक कैपिटल, दोनों कैपिटल आएंगी तो दोनों राउंड और येलो फिनोटाइप रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो 3 है, ये 3 राउंड और येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन जो है ये 2 जीनों को रिप्रेजेंट करेंगे। राउंड एंड ग्रीन प्योरेस्ट फॉर्म ये हो जाएगी राउंड एंड ग्रीन की। क्यों जी? और चेंज कहां पॉसिबल है? वाई में चेंज नहीं कर सकते, वाई में अगर कर दिया तो ग्रीन येलो में बदल जाएगा, तो फिर चेंज एकमात्र यहां पर पॉसिबल है। तो ये अपना क्या बन गया, ये दोनों ही फॉर्म क्या कहला गई, राउंड एंड ग्रीन कहला गई जी। ये कहला गया बच्चों अपना कौन सा, रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो की प्योरेस्ट फॉर्म लिखो पहले तो RRYY। अब चेंज कहां पॉसिबल है? वाई में चेंज पॉसिबल है, एक चेंज हो सकता है, कौन सा वाला, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई आ जाए दूसरे की, और यहां पर एक ही केस पॉसिबल है जीनोटाइप का RRYY। क्यों जी? अब अगर बात करें ये जो आपके सामने जीनोटाइप आ गए, ये आपको याद रखना है 122, 412, 121। क्यों यतेंद्र सर? तो आपने फिनोटाइप से जीनोटाइप पता कर लिया, ये सीक्वेंस बनती है, और ये जो राउंड येलो है इसके ये 4 फॉर्म बनती हैं, उन 4 फॉर्म में चारों ही डोमिनेंट हो एक है। अगली बात, इसके लिए डोमिनेंट पहले के लिए, दूसरे के लिए हेटरोजाइगस फॉर्म 2 बनेंगे, पहले के लिए हेटरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट 2 बनेंगे, और दोनों जगह ही हेटरोजाइगस फॉर्म ऐसे इंडिविजुअल 4 बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए डाई हाइब्रिड क्रॉस में इस टाइप के जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल कितने बनेंगे? दोनों ही जगह हेटरोजाइगस है, 4 बनेंगे, मतलब दोनों करैक्टर के लिए। बिल्कुल। तो आपको ये जो है 2-4 बार लिख कर इसको प्रैक्टिस करनी है, और उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि पहले फिनोटाइप लिखो उसके बाद उसका जीनोटाइप आप पता करके, और ये रेशियो 122:4 और 1:2:1:2:1 या 122:412:121 ऐसे भी इसको याद, मतलब दोनों करेक्टर के लिए हेटरोजाइगस हो गए 4 हो गए, और दोनों करेक्टर के लिए प्योर हो गए 2। क्यों? दोनों करेक्टर के लिए प्योर फॉर्म हो जाती है 2। या फिर ऐसा पूछ लें, पहले करेक्टर के लिए हेटरोजाइगस और दूसरे करेक्टर के लिए होमोजाइगस। हाँ, तो पहले के लिए करेक्टर के लिए हेटरोजाइगस तो ये रहा और होमोजाइगस ये रहा। अगली बात, पहले के लिए हेटरोजाइगस ये रहा, दूसरे के लिए होमोजाइगस, उसने ना तो डोमिनेंट बोला है ना ही रिसेसिव बोला है, तो इसको भी काउंट करना है आपको, है ना? और पहले के लिए हेटरोजाइगस और कहीं आ नहीं रहा, इसका मतलब 2 और 2 4 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो पहले करेक्टर के लिए हेटरोजाइगस हैं, दूसरे के लिए होमोजाइगस हैं। और कह देता पहले के लिए हेटरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, इसका मतलब फिर इंडिविजुअल कितने बनते हैं, यहाँ पर 2 ही इंडिविजुअल बन जाते हैं। अरे बोलो भाई। तो इस प्रकार से वेरियस क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पुटअप होते हैं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, आ जाए क्वेश्चन नंबर 73।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहा है, तो अपन ने देखा था PPQQ, तो इस PPQQ को अपन RRYY भी लिख सकते हैं, क्यों विदन सर RRYY लिख लें, ऐसा एक ही बना था, बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात, पहले में चेंज और दूसरे में कोई चेंज नहीं, तो R R और YY ऐसे कितने बने थे, दो बने थे, ये बात भी सही है, क्यों। अगली बात कह रहा है, पहले में रिसेसिव फॉर्म, दूसरे की हेटरोजाइगस, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं रिंकल्ड और येलो, येलो तो रिंकल्ड और येलो फॉर्म जो है, रिंकल्ड येलो कौन कौन सी बनी थी, रिंकल्ड येलो आर आर वाई वाई एक तो ऐसा बना था, और रिंकल्ड येलो में एक ऐसा, दो ऐसे बने थे, दो ऐसे बनते हैं, एक ऐसा बनता है। ये क्या कह रहे हैं कि पहला होमोजाइगस रिसेसिव, दूसरा हेटरोजाइगस, दो बनेंगे, ये बात भी ठीक है, और ये दोनों के लिए ये कह रहा है दोनों के लिए हेटरोजाइगस फॉर्म पूछ रहा है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, क्यों। तो होमोजाइगस जो दोनों के लिए डोमिनेंट है वो तीन हो नहीं सकते, हो नहीं सकते, और यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए हेटरोजाइगस चार होते हैं, बिल्कुल, और यहाँ पर भी चार होते हैं, इसलिए अपना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बच्चों अपना कौन सा चला जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर वन चला जाएगा, ठीक है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा जो सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड करके हमने दिखाया है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, जी सर, When Mendel self hybridized F1 plant, ये F1 plant है जो दो करेक्टर के लिए जो है वो हाइब्रिड है ना, ठीक है, he found the dominant and recessive trait of one character are segregated in है ना, जी, तो दो करेक्टर की बात की, यही सुनिल जी अगर अपन एक करेक्टर के रेस्पेक्ट में ले लें, इसका जो F1 के अंदर जो फिनोटाइप आता है वो 3:1 आता है, और दूसरे करेक्टर के लिए भी वो यही आएगा 3:1 है ना, ठीक बात, इसको अपन लोग अगर डाई हाइब्रिड में कन्वर्ट करें तो 9:3:3:1 है ना, ये आ जाता है, इस तरीके से आता है, तो ये इसी का मल्टीपल कह सकते हैं, बिल्कुल, कि डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड का ही मल्टीपल, बिल्कुल, एक डाई हाइब्रिड का मतलब दो मोनो हाइब्रिड, एक ट्राई हाइब्रिड का मतलब तीन मोनो हाइब्रिड कर दो, या एक डाई का मल्टीप्लाई कर दो एक मोनो से, क्यों। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन यतिंद्र सर ने यहाँ पर बताया बच्चों, इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जा कितना 1 1 3 जा 3। अब जनरली तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगाकर नीचे वैल्यू लिखते हैं, लेकिन अब नीचे नहीं लिखनी है, इसके सामने ही लिखनी है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो दो मोनो को, दो मोनो के फिनोटाइप को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो डाई का फिनोटाइप आ गया मेरे पास। जी, सर ऐसे ही बच्चों को एक ये भी करके बता दें अपन, ये वाला एक मोनो हाइब्रिड का जीनो ये आता है, तो डाई हाइब्रिड का जीनो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, इसी का मल्टीपल, वन को इन तीनों से करते हैं तो 1:1 आ जाएगा, जी, टू को इन तीनों से करते हैं तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 को करते हैं 1:2:1 आ जाएगा, तो 121 242 121, इसको रीअरेंज भी अपन कर सकते हैं, रीअरेंज करेंगे तो 122 फॉर्म लिख सकते हैं 122 आया ना, इसके बाद 412 अपन लिख सकते हैं 412 और 121, तो 122 412 121 ये फॉर्म भी पूछी जा सकती है, रीअरेंज करके भी पूछ सकते हैं, क्यों। तो अब ये कह रहा है एक डाई हाइब्रिड है यतिन सर, उसको मोनो के रेस्पेक्ट में देख रहा है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हेटरोजाइगस टॉल एंड वॉयलेट फ्लावर पी प्लांट वर सेल्फ एंड टोटल 1024 सीड आर कलेक्टेड, व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ सीड फॉर बोथ हेटरोजाइगस ट्रेट, क्या कह रहा है ये, टॉल और वॉयलेट डाई हाइब्रिड दे दिया, डाई हाइब्रिड दे दिया, इसका मतलब अपने को पता है कि डाई हाइब्रिड के जो 16 आ रहे थे उस 16 में हेटरोजाइगस फॉर्म, दोनों के लिए हेटरोजाइगस कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी, तो 4/4 कितना आ रहा था, 16 आ रहा था, कहने का मतलब 1/4 आ रहा था अपने पास में। अब अपने को क्या करना है, 1024 अपने पास में आ रहे हैं, तो 1024 में से कैसे दोनों के लिए हेटरोजाइगस कितने आएंगे, 1/4, तो 1024 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो इसको अगर अपन कट डाउन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 2 5 और 2 4 में कितना, 6, यानी 256 256 करेक्ट आंसर चला जाएगा। अरे ठीक है भाई, क्या कह रहा है, टॉल एंड वॉयलेट डाई हाइब्रिड ले लिया, दोनों हेटरोजाइगस हो तो दोनों हेटरोजाइगस हो तो यही तो है दोनों हेटरोजाइगस फॉर्म, और ऐसी कितनी बन रही थी, 4 बन रही थी, ये तो याद रखना ही पड़ेगा भैया, इसका कोई भी चूरण नहीं है, और यही अगर पूछ ले कि है ना इसमें है ना प्योर जो है दोनों करेक्टर के लिए डोमिनेंट कितने, जी 1/16 इनटू वो 1/16 आ जाएगा इनटू 1024 जो भी वैल्यू आपको देता है, और यही प्योर होमोजाइगस रिसेसिव पूछ ले तो वही 1/16, बिल्कुल ठीक बात है, जो भी वैल्यू दी, जी जी, या इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि जब 16 प्लांट ऑब्टेन हो रहे थे
तब इस टाइप के अपने पास में चार आ रहे हैं, चार आ रहे हैं ना। और जब एक ऑप्टेंड होगा तो कितने आएंगे, 4/16 आएंगे, ठीक है। और इसे कोई 1 की बजाय 1024 अपन कह दें तो 4/16 अब इनटू कितना हो जाएगा, 1024। ऐसे भी जाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन है भैया, कुछ नहीं है। लेकिन बात ये याद रखनी है कि ऐसे कितने ऑप्टेंड होते हैं, ये तो उसी ट्रिक से ही आएंगे जो सबसे पहले बताइए। चलें 76। जी सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोटाइपिक रेशियो वाज फाउंड बाय मेंडल इन F2 जनरेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो सिंपल सा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो 3 एंड 1। और फिनोटाइपिक रेशियो अभी निकाल कर भी आपको बताया था, डाईहाइब्रिड का मतलब दो मोनो का मतलब 31 का मल्टीप्लिकेशन 31 से, ठीक है। नेक्स्ट 77। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहली बात तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिया गया है। वन करेक्टर की एलील्स जो है दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंटली जो है वो क्या हो जाती है, असॉर्ट आउट हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस बताता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नहीं, डाईहाइब्रिड क्रॉस से होना चाहिए। इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर इज डिपेंड ऑन अनदर, ना, ये क्या कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर, क्यों, बिल्कुल। और अगर डिपेंड करता ना तो फिर हमेशा राउंड के साथ येलो ही जाना चाहिए था, राउंड के साथ में ग्रीन क्यों आ गया, येलो के साथ में रिंकल्ड क्यों आ गया, आया ना। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक्सेप्शन जो है लिंकेज, वो लिंकेज बन जाता है, लिंक्ड जीन जो है वो एक साथ जाएंगे भैया, क्यों, तो ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज प्रपोज बाय बेट्स, नहीं, ये तो किसने दिया है, मेंडल ने, मेंडल ने, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट 78। इफ ए पी प्लांट प्रोड्यूस 1280 सीड ड्यूरिंग ए डाईहाइब्रिड क्रॉस, ओके, बिटवीन राउंड येलो, राउंड और येलो में क्रॉस हुआ है, और क्या दिया, रिंकल ग्रीन एंड ग्रीन ग्रीन, ठीक है, यानी F1 जो था वो ये आ गया, ठीक है, और इसी में सेल्फिंग हुई तो वही F2 वाला है, है ना, ठीक है। तो देन हाउ मेनी सीड आर रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो मतलब सुनिए जी, 3 रिंकल्ड एंड येलो की बात कर रहा है जी, इसका मतलब ये इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है, और ऐसे 3 आते हैं ना, हाँ, ऐसे 3 इंडिविजुअल आते हैं। और राउंड और येलो मतलब 9, राउंड और येलो का मतलब R-Y-, ऐसे कितने आते हैं, 9 आ जाएंगे जी। और उसके बाद में रिंकल एंड ग्रीन मतलब 1, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीनो टाइप के रेस्पेक्ट में पूछा नहीं है, वो तो हमने ही आपको फेनो से जीनो इस प्रकार लिखकर बता दिया है, तो सिंपली भी आंसर अपना आ रहा है, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, और 391। तो इसका उस हिसाब से जैसे फर्स्ट के लिए जो है 3 कितने में से, 16 में से, तो उसको अपन कैलकुलेट अगर करेंगे 1280 से, और इसी तरीके से बाकी को करेंगे तो अपना जो आंसर है वो अपना सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल, बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल, ये अपने 9 आ गए। या फिर बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 1 की वैल्यू निकाल लो, 16 की वैल्यू अपने को पता है, सबसे कम सुनील जी 1 वाला लास्ट वाला जी, तो उस हिसाब से लास्ट वाली वैल्यू तो ज्यादा आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए, है ना। तो वैसे भी आप कर सकते हो, और अन्यथा फिर 1 की वैल्यू आप निकालो। 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1280/16 करके निकालो, बिल्कुल, क्यों, और 1280/16 करके निकालते हो तो ये वैल्यू अपनी आ जाती है 1280/16। 4 से गया 2 बार, 4 से गया 320, 2 से गया ये वाला 4 से गया 4 बार, सॉरी, ठीक है। अब 4 से 320 गया कितनी बार, 80। इसका मतलब जो 1 आ रहा है ना वो तो 80 आना चाहिए, लास्ट वाला 80 आना चाहिए, लास्ट वाला 80 एक ही ऑप्शन में है। फिर 80 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 80 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक भाई, चले आगे 79। द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस ये बता रखा है, इज क्रॉस विद, पहले तो इनकी ऑफस्प्रिंग, उसका क्रॉस इसके साथ, जीनोटाइपिक रेशियो और प्रोजेनी। अब इंडिविजुअल यतेंद्र सर ये दे दिया और इसकी क्रॉसिंग करवा दी इसके साथ में, और कह रहा है प्रोजेनी क्या आएगी, प्रोजेनी सिंपल सी बात है, गैमेट बना लो, यहां से गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी, यहां से गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी, यतेंद्र सर प्रोजेनी आ जाएगी अपनी कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये तो डाईहाइब्रिड का एफ वन नहीं है क्या, और इस तरीके से टेस्ट क्रॉस हो गया, और इसका क्रॉसिंग इसके साथ, इसका मतलब टेस्ट क्रॉस हो गया, और डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा। जी सर, ए टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड, है ना, ठीक है, क्रॉस्ड विद ड्वार्फ रिंकल्ड सीड, ठीक है, इसका जो क्रॉस है स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि F1 जो आएगा वो
ये बता रहा है। अब ऐसे कितने आएंगे तो ऐसा तो रिसेसिव एक ही बनेगा 16 में से, इसका मतलब 1/16 तो करेक्ट ऑप्शन 4 चला जाएगा। क्यों जी? नेक्स्ट 81 सेल्फ फर्टिलाइजिंग डाइहाइब्रिड प्लांट फॉर्म। ठीक है जी, सेल्फ फर्टिलाइजिंग सेल्फिंग हो गई है, सेल्फिंग हो गई है तो फॉर्मूले डायरेक्ट लगा सकते हो। डाइहाइब्रिड बोल दिया इसका मतलब n इक्वल टू 2 कह दिया। अब क्या पूछ रहा है अपने को? गैमेट पूछ रहा है, सारे ऑप्शन में गैमेट और जायगोट की बात कर रहा है, तो गैमेट के लिए तो 2 की पावर है, जायगोट के लिए 4 की पावर है। बिल्कुल, और गैमेट के लिए अगर बात करूं 2 की पावर n तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 2 * 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर बात करें तो 4 की पावर n तो 4 * कितना हो जाएगा ये वाला 16, 4 * 4 हो जाएगा जी। क्यों? तो ये अपना जो है 16 डिफरेंट टाइप ऑफ जायगोट आ जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्यों? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट एंड 16 डिफरेंट टाइप ऑफ जायगोट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट 82 यहां पे दिया है कि एक ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म विद जीनोटाइप, ये पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले है ना, ठीक है, एंड ये भी पर्टेनिंग टू टू डाइएलिक कैरेक्टर इक्वल प्रोपोर्शन है ना, तो व्हाट इज द कोरेस्पोंडिंग जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन, कोई ऑटोसोमल जीन के रेस्पेक्ट में ये बात की जा रही है और इस टाइप के वो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसका जीनोटाइप पूछा गया। बिल्कुल, तो यहां से अगर देखें तो एक ही गैमेट बनेगा ये, क्योंकि अपने को स्मॉल ए भी चाहिए और स्मॉल बी भी चाहिए, ठीक है, और यहां से गैमेट की बात करें तो एक गैमेट ये बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, एक गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी बन जाएगा, सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी, एक गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये चारों ही कॉम्बिनेशन चार डिफरेंट टाइप के गैमेट हैं, चारों ही कहां ऑब्टेंड हो जाते हैं सेकंड में। वहां अगर ये तीन सिर्फ गैमेट बनाए थर्ड में तो गैमेट कौन-कौन से हो गए? थर्ड में ए की एन की वैल्यू 1 है ना, बिल्कुल, तो दो ही गैमेट बनेंगे ये वाले, और इसके अंदर भी एन की वैल्यू 1 ही है तो इसमें भी दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहां पर चार टाइप के गैमेट बनेंगे और वहां पर एक। बिल्कुल, तो भैया ये यहाँ पर जैसे जितेंद्र सर ने ये आपको ये दो टाइप की गैमेट बनाए, इसको आप फोर्थ लाइन मेथड से जो होमोजाइगस होता है उसको तो एक बार लिख लो, और उसके बाद जो दो हेटरो आ रहे हैं वो दोनों देने पड़ेंगे, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए, उसके बाद अब सीक्वेंस पहले ए बाद में बी आ जाएगा, तो ए गैमेट तो ए भी बन जाएगा, ए गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी। तो यतेंद्र सर ने जो बनाए हैं या इधर जो बने हैं वो दोनों एक ही है, क्योंकि मेथड वो अलग है, फोर्थ लाइन मेथड अपने लगा दिया। क्यों? नेक्स्ट 83 In Mendel's experiment with garden pea, round seed shape was dominant over the wrinkled. सब जानते हैं भाई। Yellow cotyledon capital Y जो है वो dominant है green के ऊपर, small Y के ऊपर। What are the expected phenotype in F2 generation of a cross? ये वाला cross इन्होंने करवा दिया। इसका मतलब F2 पूछ रहा है, तो ये वाला cross करवाए तो F1 तो ये तीन दिशा अपने पास में आ जाएगा, कौन सा वाला? RRYY, ये अपना F1 आ जाता है। क्यों? अब ये क्या कह रहा है? Only round seed with green cotyledon, यहां तो round wrinkled भी बनेगा, round yellow भी बनेगा, ठीक है? वो सॉरी, round yellow भी बनेगा, round जो है green भी बनेगा, wrinkled yellow भी बनेगा, wrinkled green, यानी parental type के भी बनेंगे और recombinant भी बनेंगे, recombinant भी बनेंगे। parental type इसमें से जो है 10/16 बन जाएगा और recombinant 6/16 बन जाएगा। क्यों? तो ये बात तो गलत हो गई, केवल राउंड शीट वाले लिख दिया इसे, रिंकल्ड बनेंगे केवल, रिंकल्ड बनेंगे केवल, गलत बात है। राउंड शीट विद येलो कोटिलीडन यानी का मतलब आर डैश वाई डैश, ये तो बनते ही बनते हैं, एंड रिंकल्ड शीट विद येलो कोटिलीडन, रिंकल शीट आर आर और येलो कोटिलीडन वाई डैश यानी रिकॉम्बिनेंट। बिल्कुल, तो ये तो पेरेंटल फॉर्म हो गई और ये वाला रिकॉम्बिनेंट बन गया। ऐसे इंडिविजुअल कैसे 3 बन रहे थे और ऐसे इंडिविजुअल कितने बन रहे थे? 9 बन रहे थे। इनके अलावा और भी बनते हैं लेकिन इसमें ओनली नहीं लगा है, इसमें ओनली वर्ड नहीं लगा है, इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट अपना फोर्स चला जाएगा, इसके अलावा भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 84 प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप इन F2 ऑफस्प्रिंग ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो अभी भी सुनील जी आपने बात भी की थी। बिल्कुल, ये जो F2 का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो है जी, इसमें ये पेरेंटल टाइप है और ये पेरेंटल टाइप है और बीच के दोनों रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट 6/16 और 10/16, तो अपना आंसर आ जाएगा 10/16 पेरेंटल, तो ये तो पेरेंटल हो गए इंद्र सर, तो रिकॉम्बिनेंट अगर पूछ लेता तो फिर अपना चला जाता कितना 6/16 जी, तो इसमें पेरेंटल पूछा ना, और साथ ही ये इंद्र सर ये कह देता
कि पेरेंटल जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल कितने हैं, तो पेरेंटल जीनोटाइप के दो ही एक तो इंडिविजुअल आरआर वाई वाई ये बनता है और एक लास्ट वाला आरआर वाई वाई बनता है। तो ये जरूर याद रख लेना कि पेरेंटल फिनोपूस रहा है या जीनोपूस रहा है, आंसर अपना 10/16 चला जाएगा। क्यों ये तो पूछा है, पेरेंटल फिनोटाइप 10/16। हाँ तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। थ्री येलो राउंड पी शीट लेवल एबीसी, येलो राउंड बोल रखा है ये सर, इसका मतलब वाई डैश आर डैश ये फॉर्म रही, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इनको लेबल कर दिया एबीसी। वर टेकन एंड ग्रोन इनटू द प्लांट और द प्लांट वर क्रॉस टू ए प्लांट ग्रोन फ्रॉम ग्रीन और रिंकल, इसका मतलब इससे सेल्फिंग से ऐसा ही प्लांट आएगा ग्रीन और रिंकल, ग्रीन और रिंकल का मतलब स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, बिल्कुल। अब हर क्रॉस में ए का इससे क्रॉस करवाए तो भी 100 सीड, बी का इससे करवाए तो भी 100 सीड, इस प्रकार 100 सीड लिए गए हैं। अपने से पूछा क्या है कि ये अपने को जीनोटाइप ऑब्टेंड हो रहे हैं, ठीक है जी। अब पूछा है कि जीनोटाइप ऑफ प्लांट ए वुड बी, अब ए का रिजल्ट क्या आ रहा है वो देख लें आप। इसका मतलब वाई डैश आर डैश, इसका क्रॉस अपने किससे करवाया, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर से करवाया, और सारे के सारे येलो और राउंड आ गए, सारे के सारे येलो और राउंड तो तब आएंगे जब ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, मतलब एक ही टाइप का गैमेट होगा, वाई वाई आर आर ये बन जाएगा। क्यों और ऐसे में जीनोटाइप अपना कौन सा चला जाता है, फर्स्ट चला जाता है, फर्स्ट। क्यों ऐसे ही बाकी की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, जीन ए एंड बी आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल हियरिंग, ये अपने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। ए डीफ मैन मैरिज विद ए डीफ वुमन, यानी दोनों ही जो बहरे हैं एंड ऑल देयर चिल्ड्रन हैव नॉर्मल हियरिंग, उनके जो बच्चे हैं वो सुन सकते हैं, इसका मतलब कि पेरेंट का जीनोटाइप पूछा, तो ये बात अपने लास्ट टाइम में की थी, बिल्कुल, कि एक का ऐसा हो सकता है और दूसरे में स्मॉल है कैपिटल बी कैपिटल बी जी, ये हो सकता है। और प्रोजेनी जो है उसमें एक एक जो एलील है दोनों जीन की वो डोमिनेंट आ सकती है। क्यों जी, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है, ये तो कह रहा है ये दोनों में कैपिटल मतलब ही नहीं है जी, यहाँ पर कह रहा है ये हेट्रो और ये, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों यहाँ पर होमो होमो फॉर्म आनी चाहिए, इसका मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 87 प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप इन F2 ऑफस्प्रिंग ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, अरे भैया अभी अभी बात की थी 6/16 रिकॉम्बिनेंट पूछा है इधर से, तो कितना आ जाएगा 6/16 एक मिनट, विच रिप्रेजेंट द जीनोटाइप ऑफ RRYY, इसने जीनोटाइप भी दे दिया ऐसे कितने बनेंगे, ठीक है जी। तो proportion of recombinant phenotype in F2, तो ये RRYY का मतलब क्या है, ये तो है wrinkled और येलो जी, क्यों और wrinkled और येलो कितने बनते हैं, तीन बनते हैं, तीन बनते, इसका मतलब 3/16 करेक्ट ऑप्शन ये चला जाएगा अपना। जीनोटाइप से फिनोटाइप भी लिखना आना चाहिए आपका। नेक्स्ट 88 जी सर, इन ए क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल प्लांट विद ए ग्रीन पॉड एंड प्योर शॉर्ट प्लांट विद येलो पॉड, है ना, और कुछ हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट आउट ऑफ 16 वुड यू एक्सपेक्ट इन F2 जनरेशन, इसका मतलब वही है, बिल्कुल 9, 3, 3 and 1 आएगा, इसमें केवल शॉर्ट पूछा सुरेंद्र जी, हाँ। तो ये तो शॉर्ट हो गई, इनके अलावा रिकॉम्बिनेंट भी एक और ले लेंगे, एक एक शॉर्ट चार हो जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो शॉर्ट फॉर्म कहाँ कहाँ आ रही है, तीन में, इनमें शॉर्ट आ रही है और इसके अलावा इसमें शॉर्ट आ रही है, क्यों तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा चला जाएगा, फोर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 89 थ्री येलो राउंड पी सीड लेबल एबीसी वर ग्रोन इनटू प्लांट, वही अभी क्वेश्चन किया था वही रिपीट हो गया है, हर क्रॉस में क्रॉस किससे करवाया, ग्रीन और रिंकल्ड वाले से करवाया और 100 सीड अपन ने लिए हैं, यहां पर पूछा क्या है सी का क्या रहेगा, तो सी का मतलब 24 येलो राउंड और ये अगर ये रेशियो देखें तो ये डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है, आ रहा है 1:1:1:1, इसको देखते ही पता लग गया, इसका मतलब आर आर वाई वाई का क्रॉस जी टेस्ट क्रॉस करवाना है, टेस्ट क्रॉस F1 का क्रॉस डबल रिसेसिव से, बिल्कुल, तो F1 अपना हो जाएगा आर आर वाई वाई का क्रॉस किससे, डबल रिसेसिव से करवा दिया तो टेस्ट क्रॉस अपना ये ऑब्टेन हो जाएगा, तो सी का जीनोटाइप अपना क्या रहेगा, हेटरोजाइगस RY रहेगा, हेटरोजाइगस RY ऑप्शन नंबर 2 ठीक भाई। नेक्स्ट 90 ओके, ये एक जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन है सुनील जी, और इसके अंदर जैसे एपिस्टेटिक एपिस्टेसिस एक फिनोमेना है, जिसमें कोई जीन
किसी दूसरे जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर, सप्रेस कर दे, नॉन एलेलिक, ठीक है। अब वो हो सकता है डोमिनेंट फॉर्म में ब्लॉक करे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस कह सकते हैं जी, और हो सकता है रिसेसिव फॉर्म में करे, रिसेसिव में करे, रिसेसिव एपिस्टेसिस भी कहा जा सकता है। ठीक बात कहा। तो जैसा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि जीन ए जो है उसकी डोमिनेंट फॉर्म कोई पर्टिकुलर एक्स ट्रेट दे रही है, ठीक है, और रिसेसिव फॉर्म क्यू फॉर्म का ट्रेट दे रही है, ठीक है, और जीन बी जो है उसकी डोमिनेंट फॉर्म जो है वो जीन ए का इनहिबिशन कर रही है, इनहिबिशन कर रही है जीन ए को, और इसकी रिसेसिव फॉर्म जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, इसका मतलब डोमिनेंट एपिस्टेसिस हुआ है, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस, यानी ये डोमिनेंट फॉर्म में उसको जो है वो इनहिबिट कर रहा है, बिल्कुल। फिर पूछा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो इन एफ टू जनरेशन इफ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी इज क्रॉस्ड विद ए, है ना, डबल, यानी एफ वन इससे ही आएगा सुनील जी। और पूछा क्या है What will the expected phenotypic ratio in F2 generation? Phenotype पूछा है इन्होंने। यानी F2 का phenotype पूछा है, यानी selfing की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और selfing अगर की जाएगी तो इसके अंदर अगर एक भी capital B आया तो वो block करेगा activity को। बिल्कुल। कहने का मतलब है capital B जब भी आ गया capital A के साथ तो capital A का expression तो आएगा ही नहीं, ठीक है जी, और capital B जहां भी आएगा इसके अलावा और कहीं आएगा तो अपना एक्सप्रेशन वो देगा। इसको पूरा चेकरबोर्ड बनाकर के बच्चे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसमें एक भी अगर कैपिटल बी है जी तो वो जो है इसकी एक्टिविटी को, यानी फिनोटाइप जो एक्स स्टेट वो आ नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अगर मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर दूं बच्चों आपके सामने तो ये हो जाएगा अपना, अपने को पता है 9:3:3:1 ये रेशियो आता है डायहाइब्रिड का फिनोटाइप, और ये जो 9 बन रहे हैं ये कौन कौन से आ रहे थे, आर डैश वहां पर ए और बी दे रखा है, तो अपन आर डैश क्यों ले, अपन ए और बी ले लेते हैं, ए डैश बी डैश ऐसे आएंगे, नो तो तीन कैसे आएंगे, ए डैश और स्मॉल बी ये आ जाएगा, तीन कैसे आएंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी और डैश, और यहाँ एक कैसे आ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है जब भी बी आ गई ए के साथ में तो ए का एक्सप्रेशन तो नहीं होने देगी, और यहाँ पर कैपिटल बी और कहाँ आ रहा है, कैपिटल बी अकेला भी आ रहा है तो भी एक्सप्रेशन इसके जैसा ही आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल बी जो है वो सप्रेस कर रही है किसको, ए को, इसका मतलब इन 9 प्लांट का और इन 3 प्लांट का जो फिनोटाइप आएगा वो भैया एक जैसा आएगा और बाकी का अलग आ जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो गया 9+3 ये 12:3:1 यानी डोमिनेंट एपिस्टेसिस का ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो आ जाता है, क्यों जी, तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा चला जाएगा, सेकंड 12:3:1। अरे बोलो भाई जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन था और यहां पर नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट 91 The ratio of 1:1:1:1 is expected as a result of ऐसा किसके डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के द्वारा देखा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, मोनोहाइब्रिड का कितना आता है 1:1, यदि इसे ट्राईहाइब्रिड का पूछ लेते तो इसको डबल कर देते, इसको डबल कर देते तो 8 × 1 आ जाता फिर, क्यों 92 जी सर, आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 800 F2 इंडिविजुअल ऑफ ए क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट येलो, डोमिनेंट मतलब येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल ब्लॉट, नंबर ऑफ येलो एंड रिंकल सीड यानी रिकॉम्बिनेंट है जी, रिकॉम्बिनेंट है और येलो रिंकल्ड की अगर बात करें यदि सर तो येलो रिंकल्ड जो फॉर्म है ये अपनी बन रही थी ये वाली और ऐसे कितने बन रहे थे, 3 प्योर फॉर्म तो एक बन रहा था और हेटरोजाइगस यहाँ स्मॉल वाई आ जाए तो 2 बन रहे थे तो टोटल 3 बनते हैं, इसका मतलब में से 3 जब 16 थे तब तो बन रहे थे 3 है ना, और लेकिन अब 800 हो जाएंगे तो कितने बनेंगे, तो बन जाएंगे भैया 3/16 × 800 जी, ये बन जाएगा 8 से गया 2 बार, 8 से गया 100 बार और 2 इससे गया 50 बार, तो 50 × 3 कितना आ गया 150 जी भैया, तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, क्यों। नेक्स्ट 93 की बात करते हैं, इन टोमेटो रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट एंड टोलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस, सब जानते हैं इंफॉर्मेशन दे दी अगले ने, ए प्लांट दैट इज RRTT इज क्रॉस्ड विद ए प्लांट दैट इज RRTT वो जीनोटाइप आपको बता रखा है, What is the chance of an offspring being heterozygous for both the trait? तो क्रॉस कर लेते हैं ना डायरेक्ट अपन RRTT का ये दिन सर क्रॉस किसे करवा दें, small R, small t, ठीक है, दो अब यहां से गैमेट बनाए तो यहां से अपने को पता है दो एलील यहां से ही आएंगे केवल R और स्मॉल R, और यहां से तो एक ही एलील आएगी कैपिटल T, तो RR ये चला जाए तो RT बन गया और ये दोनों आ जाए तो RT बन गया, क्यों, और यहां से अगर बात करें तो एक गैमेट तो RT बन जाएगा, एक गैमेट RT बन जाएगा, चेकरबोर्ड पर रख दें, बिल्कुल
चेकर बोर्ड पे रख देते हैं, चलो इनको दोनों गैमेट को, ये वाली गैमेट ये दिन से इधर रख दें, आर टी स्मॉल आर स्मॉल टी, और ये वाले दोनों गैमेट कैपिटल आर कैपिटल टी और स्मॉल आर कैपिटल टी, ठीक है। अब इनकी फिलिंग करनी है अपने को, ये दिन से फिलिंग करें आपके सामने, आर आर टी टी ये बन जाएगा स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, बिल्कुल ये वाली फॉर्म जो है आर कैपिटल टी है, कैपिटल टी हाँ ये कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपने जो पूछा क्या है, दोनों पेयर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग हेटरोजाइगस फॉर बोथ प्रे, दोनों के लिए हेटरोजाइगस ये नहीं है, ये दोनों के लिए हेटरोजाइगस है ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो चार में से एक बनेगा 1/4 ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वन पेयर ऑफ एलील शो इनकंप्लीट डोमिनेंस जीनोटाइपिक रेशियो कम, रेशियो कम टू है ना जी, मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर हैं और एक कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, एक इनकंप्लीट कर रहा है, जो जीनोटाइपिक रेशियो पूछा है तो एक करेक्टर के लिए जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 बना जाएगा, 1:1 ठीक है, और इनकंप्लीट डोमिनेंस में भी 1:1 नहीं आता, इनकंप्लीट या कोडोमिनेंस में तो भैया जीनो पूछे चाहे फिनो पूछे दोनों ही 1:1 आते हैं, तो सिंपल सी बात है 1:1 का मल्टीप्लिकेशन 1:1 से करना है, और वो ट्रिक आपको मल्टीप्लिकेशन की बताई थी, एक को इन तीनों से करेंगे 121 आ जाएगा, दो को इन तीनों से करके नीचे नहीं लिखेंगे सामने ही लिखेंगे, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, दो 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 नहीं चार, दो एकम दो, और एक को इनसे करेंगे 1:1, इसको रीअरेंज करके पूछ रहा है आपसे, रीअरेंज करके ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपना, सेकंड चला जाएगा, क्यों। नेक्स्ट 95, In the F2 progeny of dihybrid cross, the expected genotypic proportion of individual homozygous for both the dominant character, दोनों dominant के लिए homozygous पूछ रहा है, और दोनों dominant के लिए homozygous तो एक ही बनता है, 16 में से एक तो 1/16, तो starting में जो आपको dihybrid का एक phenomena हमने याद करने का है, phenotype से genotype कितने कितने बनेंगे वो वाला जरूर याद रखना है आपको। 96 जी सर, A cross is made between colorful seeded and colorless shrunken base plant, okay? तो as a result, इतने plant colored और full है, ठीक है? और इतने जो plant है वो colorless और shrunken है, और 149 जो colored और shrunken मतलब recombinant है, और 152 जो colorless and full है, ठीक वक्त ठीक है आपने, है ना? तो पूछा what is the recombination percentage frequency? तो पहले recombinant पता कर लो, हाँ, formula अच्छे लगा सकते हैं, और रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो हमेशा पेरेंटल फॉर्म से कम ही बनेंगे, ये दोनों पेरेंटल फॉर्म है और वो दोनों रिकॉम्बिनेंट है, इसका मतलब 149 प्लस 152 ये कितना बन गया अपना, 9 2 11 असल 1 0 ये कितना हो गया, 301 हो गया, 301 रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब परसेंटेज पूछा है तो डिवाइड बाई कर दो 100 से, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में टोटल रिकॉम्बिनेंट बिल्कुल है ना अपॉन टोटल प्रोजेनी, बिल्कुल टोटल प्रोजेनी इनटू 100 करना है ना जी, तो अपने पास जो रिकॉम्बिनेंट है वो 301 आ गए, बिल्कुल, और टोटल प्रोजेनी कितनी होगी सुनील जी, टोटल प्रोजेनी होगी 4032 4052, तो इनको कर ले पहले, और इसके साथ में 301 ये भी जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 2 4 1 5 5 और 3 8 और ये यहां पे केवल 3 रह जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो 8385 आ जाएगा, 8385 इनटू 100 करना है अपने को जी, क्यों, और इसको जब सॉल्व आउट अपन करते हैं तो आप देख लो ये 100 है, तो यहां पर अगर 100 को अगर हटाता हूं तो 83 पॉइंट ये अपन कर सकते हैं, अब 83 इसमें कितनी बार जा रहा है, 8 3 24 8 4 32 ठीक है, तो ये 3 आना चाहिए, 3 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट भी है इसका मतलब 3.5, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा एप्रोक्सीमेशन में, और इसको डिटेल में आप कैलकुलेट करोगे, बच्चों को एक बार आइडिया लग गया तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, और ये अपने इससे क्या आ जाती है अपने को रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके लिए फार्मूला ये याद, बिल्कुल बिल्कुल चले आगे जी। नेक्स्ट 97, The phenotype of an individual may be affected if the modified allele, ये पहले भी अपन ने क्वेश्चन कर लिया था कि phenotype कब affect हो सकता है, जब कोई भी enzyme produce नहीं हो, normal या less efficient enzyme हो, non-functional enzyme हो, phenotype effect होना है तो इस बार होगा, पहला होगा, तीसरा हो जाएगा, normal या less efficient enzyme इसमें affected नहीं हो, इसमें affected नहीं होता है, इसका मतलब A और C correct option चला जाएगा, theoretical part है भैया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस प्रकार से। नेक्स्ट
98 when a pink flowered antirrhinum plant is test closed yani incomplete dominance wala hai bilkul incomplete dominance hai iska aise cross karwaya hai iska matlab do plant to aise ban jayenge aur do plant aise ban jayenge to ye to kya hai pink hai ye kya hai white hai yani 1:1 one pink aur one white bilkul next 99 question Both phenotypic and genotypic ratio of F2 generation are same in ऐसा किस में होता है इनकम्प्लीट में होता है कोडोमिनेंस के केस में भी देखा जाता है ठीक है तो अपना कोडोमिनेंस आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इसमें भी हो जाएगा मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की अगर बात करें तो बच्चों को बता देते हैं थोड़ा सा तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर रेशियो कितना आता है दो प्लांट तो ऐसे बनते हैं और एक मिनट दो प्लांट तो क्या कर दिया अपने एक मिनट दोबारा टेस्ट क्रॉस पूछा है तो टीटी का क्रॉस स्मॉल टी ये टेस्ट क्रॉस है और यहाँ पर अगर देखें तो कितना आ जाएगा दो प्लांट तो हेटरोजाइगस आ जाएंगे और दो प्लांट स्मॉल आ जाएंगे अपने पास में तो 1:1 जीनोटाइप 1:1 है फिनोटाइप भी 1:1 है ये टॉल और ये ड्वार्फ तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा क्यों नेक्स्ट 100 जी सर अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फ्लावर प्लांट ओके ठीक है एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट एंड ग्रे फ्लावर इसका मतलब है कि दोनों का इंटरमीडिएट आ रहा है क्योंकि ब्लैक में अगर व्हाइट मिक्स करते जाओगे तो ब्लैक जो है वो थोड़ा सा लाइट होता जाएगा ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है बिल्कुल बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा और दोनों का इंटरमीडिएट मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दोनों का ही करेक्टर अगर दर्शा देता तो कोडोमिनेंस तो फिर वो कोडोमिनेंस का केस बन जाता कोई एक होता तो डोमिनेंस एक होता तो डोमिनेंस 101 select the odd one with respect to incomplete dominance के लिए genotypic phenotypic की रेशियो और same in F2 बिल्कुल 1:1 आते हैं सही बात है अपने को odd one पूछा है test cross produce two phenotype अगर incomplete dominance में भी अगर test cross में बात करें तो दो phenotype बनते हैं जैसे antirrhinum majus में मैं बात कर लूं RR का cross RR से करवा दिया तो दो प्लांट तो ऐसे बनते हैं और दो प्लांट ऐसे बनते हैं तो 1:1 का रेशियो यहां भी आता है white, दो phenotype बिल्कुल तो वही रेशियो फिनोटाइप आता है वही रेशियो जीनोटाइप आता है तो ये बात भी सही है फिनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड रिजेंबल बोथ दी पेरेंट ना फिर तो वो कोडोमिनेंस हो जाता क्यों और इनकम्प्लीट का मतलब उनका इंटरमीडिएट बनता है ओड वन पूछा है तो करेक्ट आंसर ये चला जाएगा फ्लोर कलर ऑफ मेलाबोलिक जेल आपका और एंटीरिनियम मेजस इसके दो एग्जांपल बनते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्यों जी नेक्स्ट 102 अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस द मॉडिफाइड एलील एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड यानी कोई इफेक्ट ना पड़ रहा होगा ना बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा कब होगा इट प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम इट प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप बिल्कुल तो ये अपना ये करेक्ट ऑप्शन ये चला जाएगा कि म्यूटेशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन हुआ है जो मॉडिफाइड एलील बनी है वो अनमॉडिफाइड एलील के बराबर कब होगी जब नॉर्मल एंजाइम बनाए तो भी होगी और सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करें तो भी वो नॉर्मल के बराबर कहलाएगी ऑप्शन नंबर 4 ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन ने अभी देखा था कि फिनोटाइप कब अफेक्टेड होगा तो फिनोटाइप नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा तब अफेक्टेड नहीं होगा बाकी फिनोटाइप अफेक्टेड होता है नेक्स्ट 103 थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेस एफिशिएंट भी हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम भी हो सकता है या हो सकता है एंजाइम बने ही ना तो करेक्ट ऑप्शन 4 चला जाएगा तो यहाँ पर ये मॉडिफाइड एलील के जो तीन प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे वो तीनों हमने आपको बता दिए हैं ठीक है इनमें कंफ्यूज मत हो जाना आप ये तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अच्छे से याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 इन शॉर्ट हॉर्न केटल जीन फॉर रेड एंड व्हाइट कोट कलर अकर क्रॉस बिटवीन रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस करवाया रोन बनाता है चित कपड़ा बनाता है और चित कपड़ा यतिंद्र सर वो होगा जो रेड कलर के बीच में क्या पाए जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल ये पैचेज हो जाएंगे इसके बीच में इसका मतलब ये रेड कलर को भी रिप्रेजेंट करेगा और ये व्हाइट कलर को भी रिप्रेजेंट कर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा कोडोमिनेंस कहला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्यों जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पे मिराबिलिस सेलापा के लिए ही और ये अपन इनकम्प्लीट के अंदर बात की व्हेन होमोजाइगस रेड फ्लावर जो उनका क्रॉस व्हाइट से किया जाए तो F1 जो पिंक आ गया तो ऑल F1 प्लांट हैव पिंक कलर फ्लावर ओके इन F2 प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग इनमें अगर सेल्फिंग की जाए तो उस दौरान क्या पूछा है रेड व्हाइट और पिंक पूछा है तो 1:1 हाँ एक मिनट इसने पूछा है रेड व्हाइट और पिंक यानी इसका मतलब रेड पिंक और व्हाइट तो 1:1 बनना चाहिए था जी लेकिन ये 1 और व्हाइट कितना 1 और पिंक कितना 2 है तो ये जरूरी याद रखना ये खूबसूरती है इस क्वेश्चन की पूछा क्या है हाँ तो रेशियो आ जाएगा 1:1:2 आ जाएगा अपने पास 1:1:2 का मतलब
ये सुनील जी रेड, ये व्हाइट और ये पिंक, ये पिंक हो जाएगा जी। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऐसे दो है और ऐसा एक एक, लेकिन ऑर्डर जो पूछा गया उस हिसाब से अपना ये हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट। तो एबीओ सिस्टम में कोडोमिनेंस ए और बी दोनों साथ आ गए तो कोडोमिनेंस होता है। इनकंप्लीट डोमिनेंस की अगर बात करें ये नहीं होता, इनकंप्लीट डोमिनेंस नहीं पाया जाएगा। मल्टीपल एलील, तीन एलील पाई जाती है इसके लिए। आई ए होता है यतेंद्र सर, बिल्कुल। आई बी होता है और स्मॉल आई, तीन एलील तो मल्टीपल एलील है। कंप्लीट डोमिनेंस अगर आई ए के साथ में स्मॉल आई आ गया इसका मतलब ये इसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस है, या आई बी के साथ स्मॉल आई आ जाए तो भी है। क्यों नहीं, आई ए बी और आई बी बी इनके साथ तो ये वाला केस भी है, ये वाला केस भी है। ए सी और डी, करेक्ट ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट 107, यहां पे पूछा हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप कैन बी कैन एग्जिस्ट इन ए पॉपुलेशन विद डोमिनेंस हायरार्की, है ना। ये एक रैबिट के कलर के रेस्पेक्ट में है, सुनिए, रैबिट के कोट कलर के रेस्पेक्ट में। और ये मल्टीपल एलील वाला, इसमें चार एलील है ना, बिल्कुल। और मल्टीपल एलील में n इनटू n प्लस 1 बाय 2 ये आता है। चार एलील है तो 4 इनटू 4 प्लस 1 बाय 2 तो कितना जाएगा, 4 इनटू 5 बाय 2 20 by 2 कितना है? आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन 108 बन जाएगा अपना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट ए केस ऑफ कोडोमिनेंट, ए जीन एक्सप्रेशन इटसेल्फ सप्रेसिंग द फेनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ इट्स एलील। नहीं नहीं, कोडोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस होते हैं, दोनों एक्सप्रेस होती है। इनकंप्लीट में अगर बात करें तो दोनों के बीच का आता है, ठीक है जी। और ये सप्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो ये तो एपिस्टेटिक इफेक्ट हो गया, बिल्कुल। जीन दैट आर सिमिलर इन फेनोटाइपिक इफेक्ट When present separately, but when together interact to produce a different, ये तो मतलब collaborative का example हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये gene interaction के जो types हैं उनसे related क्वेश्चन। ये non-allelic interaction जो है उससे related क्वेश्चन आ गया। Allele both of which interact to produce a trait which may resemble either of the parental type, ठीक है? Either of the parental type, एक बार दोबारा पढ़ो। मतलब दोनों parent में कोई एक पूछ रहा है। बिल्कुल। इसमें तो दोनों ही express होंगे। दोनों ही एक्सप्रेस हो जाएंगी। एलील ईच ऑफ विच प्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट इन हेटरोजाइगस कंडीशन। मतलब दोनों, मतलब ए और बी हेटरोजाइगस में दोनों का इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी फोर्थ करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है। ये बाकी के जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को बता रहे हैं, जो अपन कल के लेक्चर में नॉन एलिलिक के सारे एग्जांपल, बिल्कुल, तो वहां पर अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो अपना कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो होप यू सो आपने काफी एंजॉय किया होगा। डाई हाइब्रिड का कंप्लीट यहाँ पर आपको करवा दिया गया है। अब जीन इंटरेक्शन की अपन बात करेंगे, ठीक है। इसमें एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से तो अपन एक दो क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम अपन इसको नेक्स्ट टाइम और ज्यादा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो वापस रिवाइज करें, अच्छे कंसेप्ट हैं, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपको बताए गए हैं। इनकी ट्रिकी फॉर्म आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू। जय सीएलसी।